एक बात मैं अपने अजीज इन नन्ने मुन्ने तलबार खुतबा से दिल में अल्लाह ने डाल दी है वो अर्ज कर दूं कि अपने लिए सिर्फ मेहनत को काफी ना समझें, बल्कि मेहनत पर भरोसा करने के बजाय अल्लाह की जात पर नजर और अपने अकाबरीन बुजुर्गान दीन से दुआएं लेने का एहतमाम करें और इस बारे में अपनी मोहताजी समझें और इसी में अपनी कामयाबी समझें। वो ऐसे नहीं, मैं एक बहुत बड़े बुजुर्ग पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ वाले बड़े मुवहद आदमी थे, मैंने उनका बयान सुना जिसमें वो फरमा रहे हैं कि अमीर शरीयत सैयद अताउल शाह साहब बुखारी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह ताला 14 साल की उम्र के थे, बिल्कुल ऐसे समझो जवान, जवानी की उम्र में कदम रख रहे थे। तो मौलाना पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ हजरत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और इत्तेफाक से हजरत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि इतने में हजरत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खानकाह में पहुंचे और फरमाया कि मैंने हजरत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से मिलना है। तो हाजरीन ने और मेज़बानों ने कहा कि हजरत तो अभी सफ़र पर रवाना हो गए हैं, घोड़े की सवारी है और आप पैदल हैं तो आपके लिए पहुंचना मुश्किल है, कोई ज़रूरी काम है तो हमारे लायक है तो बता दें, नहीं तो फिर इंतज़ार करें, वो जब आएंगे सफ़र से तो मुलाकात हो जाएगी। हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे नहीं, मुझे मिलना है और मैंने वापस जाना है, लिहाजा मुझे रास्ता बताओ कि हजरत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह किधर गए। तो वहाँ मौजूद हजरात ने बताया कि मिसाल के तौर पर इस तरफ गए हैं। तो हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने पैदल, हालांकि हजरत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार थे, घोड़े की सवारी बहुत उम्दा घोड़ी शाहाना सवारी थी उस ज़माने में, तो हजरत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पैदल रुख किया और तेज़ तेज़ कदम उठाए। जब हजरत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कोई कोई नौजवान है जो तेज़ तेज़ भागा दौड़ा आ रहा है, तो घोड़ा रोका। इतने में हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे और कदम बोसी फरमाई, मुसाफा किया, सलाम किया। तो हजरत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कौन हो? तो फरमाया अताउल्लाह बुखारी। ये तो हम हैं, अपने आप को फलां फलां कहते हैं, वो सब कुछ थे लेकिन अपने आप को कुछ नहीं समझते थे इसलिए वो कामयाब हो गए, हम अपने आप को बहुत कुछ समझ चुके हालांकि कुछ भी नहीं इसलिए नाकाम है। तो शाह जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अताउल्लाह बुखारी। फरमाया पूरा नाम बताओ। कहा जी अताउल्लाह शाह बुखारी मुझे कहते हैं। फरमाया कैसे आना हुआ? तो हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की कि हजरत दीन का काम करने का शौक़ है और मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे खिताबत के मैदान में कबूल फरमा लें, अल्लाह मुझे खतीब बना दें। तो हजरत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ खड़े खड़े हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई। कबूलियत का वक्त था, वो बड़े अल्लाह वाले थे, बस दुआ की। हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ ली और वहीं से उन्हीं कदमों पर वापस तशरीफ ले आए। फरमाते हैं कि रावलपिंडी में जलसा था और हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह का अपना बयान है कि जब मैं गया था तो मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल थे, लेकिन जब दुआ लेकर वापस पलटा तो ऐसे लगता था कि जोश खिताबत से जैसे मेरा जिस्म फटता हो। फिर वो वक्त था, शाह जी रहमतुल्लाह अलैह आए और रावलपिंडी में पहला खिताब किया, कई घंटों में वो खिताब किया। और फिर अल्लाह ने क्या कमाल दिया, हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह खैर मदारिस वाले फरमाते थे कि उर्दू ज़ुबान में बड़े खतीब पैदा हुए होंगे, क़यामत तक बड़े खतीब उर्दू ज़ुबान में पैदा होते रहेंगे,
लेकिन अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा खतीब ना कभी पहले उर्दू ज़ुबान में पैदा हुआ ना क़यामत तक फिर कोई और पैदा होगा। मौलाना मनाजर आसरन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, तुम्हारे उस्तादों ने ये बात फरमाई कि हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलाना मनाजर आसरन गीलानी ने जो किताब लिखी है वो क्या ही कमाल की किताब है, एक सतर देखता हूँ, एक सतर देखने पर मेरे एक साल की तकरीरें तैयार हो जाती हैं। तो अकाबरीन से, बुजुर्गान दीन से दुआ लेने का ये नतीजा। तो मैं अपने इन अज़ीज़ तलबा और नन्हे मुन्ने खुतबा से ये अर्ज़ करूँगा कि अपने अकाबरीन से हमेशा अपने असातिज़ा से दुआ लेने का एहतमाम करते रहें। और